हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो गया, वो तो शुक्र ना हमारे चोट नहीं लगी, वरना हमारे लगते तो हमारा तो काम ही हो जाता। रिकॉर्ड हो गई, बोल पापा बोल मेडिकल। Hey guys, good morning, welcome back to our new vlog. मैं ना ये सॉक्स इतने छोटे वाले जो सॉक्स होते हैं ये पहली वाली है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनमें क्या कमी है, ये ना पीछे एड़ी से ना निकल जाते हैं। तो मैं तैयार हो चुका हूँ, मतलब नहा चुका हूँ और कपड़े पहन लिए, बस शूज पहनने बाकी रह गए हैं और टाइम हो चुका 8:30। तो कॉलेज का क्लास, कॉलेज की पहली क्लास शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है, जो कि फिर से लेट जाऊँगा मैं। तो चलिए मैं शूज पहनूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, उस वक्त हमारा कैमरा ऑफ था और हमारी स्कूटी एक ऑटो में ठुक गई। तो मुझे और मेरे दोस्त मैडी को, मैडी ये खड़ा है, सही सलामत खड़ा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो हमें चोट नहीं लगी लेकिन हमारी स्कूटी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। मैं स्कूटी से नहीं उतर सकता लेकिन मैडी भाई उतरे हुए, तो ये आपको दिखाएंगे हमारी स्कूटी का क्या क्या नुकसान हुआ है। हर बेमतलब चक्कर में पड़ गया, अच्छा खासा ऑटो से आते थे हम दोनों भाई, अब नहीं। आज है फ्राइडे, इसको ये उसको मैकेनिक के पास खड़ा कर देंगे, सैटरडे और संडे में ये समझ जाएंगे, मंडे से इसको घर पे खड़ा रहने देंगे और हम ऑटो से आएंगे। ऑटो इज द बेस्ट, फालतू का ड्रामा है यार, वो तो शुक्र ना हमारे चोट नहीं लगी, वरना हमारे लगती तो हमारा तो काम ही हो जाता। तो अब कॉलेज में दो दोस्तों को फोन करा तो वो बाहर आ रहे हैं, तो अब आगे देखेंगे कॉलेज जाना या नहीं जाना, क्योंकि मेरी पैंट फट चुकी है बहुत बुरी तरीके से, तो मैं कॉलेज जाने की हालत में नहीं हूँ। इसने जीन्स पहन रखी थी, मुझे जीन्स पहननी मिलती है, तो बस बीसु आने वाला होगा थोड़ी देर में, स्कूटी का नुकसान हो गया। हमारे तीन भाई आए हैं हमसे मिलने, चोट का लगी, चोट क्यों लगी? ना यार हमारा चोट नहीं लगी, स्कूटी टूट गई पूरी। गिरा। अबे यार पीछे ही ना ऐसे, रुक बंद कर। बाल बुरे हो चुके हैं और 106 पता नहीं कौन सा ये था, इससे ऊपर वाला था, पता घर भी याद ना रहा यार अपने भाई साहब का, ऊपर वाला दिखे। तो हम मुकुल भैया घर आए क्योंकि मेरी पैंट फटी थी, तो उनसे कपड़े लेने हैं, पैंट चेंज करनी है। हाँ यही है। तो हम फाइनली अपने कॉलेज आ चुके हैं, मैंने ये पैंट चेंज करी थी मुकुल भैया घर जाके, और हमारी स्कूटी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो अब फिलहाल भूख लग रही है, तो मैडी भाई हमें कुछ खिलाएंगे क्योंकि इन्हीं की जिम्मेदारी है हमें खिलाना, ये हमारे कर्तव्य धरता है, हम भूखे नंगे लोग। मतलब हुआ क्या, जैसे हमारी स्कूटी गिरी ना, हमारी इतनी कैडी ऐसे छूट गई, ऑटो वाला भी निकल के ये कह रहा भैया मुझे लगा एक्सीडेंट हुआ, पर आप तो हंस रहे हो, नीचे पड़े दोनों, हम नीचे पड़े, स्कूटी हमारे ऊपर, हम स्कूटी के नीचे, और हम फिर भी हंस रहे थे। खैर कुछ नहीं, अब कुछ करना नहीं है, बस जाना है। इधर चलना है, सीधे चलते ना। अच्छा ये ऐसा सुअर आदमी है, ये रोटी के साथ मोमो चटनी खा लेता है। रिकॉर्ड हो गई, बोल पापा बोल मेडिको। क्या लेगा क्या वेड एंगल? तो आप लोगों ने अभी देखा, वीसू ने मैडी को पापा बोला, तो उसकी वजह से मुझे ये मैंने क्या घंटा बोला वो देखियो BTS, तो उसकी वजह से मुझे ये स्लाइस मिली, गरम लिया तो होगी। और एक ग्रीन लेज का पैकेट मिला, तो हम जा रहे हैं अपनी क्लास में क्योंकि लेक्चर स्टार्ट होने वाला बस थोड़ी देर में हमारा। अभी हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, तो मेरे चार दोस्त बैठे हैं, वो बताएंगे आपको कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। बताएगा वीसू, बता क्या हुआ हमारे साथ? कुछ नहीं हुआ, बता दे भाई। वी एंजॉय माय लाइफ, हमें टेंशन नहीं, हम ठाकुर आ गए, हम तेरे उसमें निरक्ष में, क्या बोला था, विरोध में, हम तेरे हैं,
हम अपनी क्लास में तो क्लास टीचर ने निकाल दिया और हमारे सबके घर पे फोन कर दिया क्योंकि हम काफी कमाते हैं कॉलेज कमाते नहीं है आते कम है। और हम अब जा रहे हैं घर, हमारा क्लास आज की खत्म हो गई। एक घंटे से बैठ के क्लास में जा करता हूँ, कोई टीचर नहीं आया। और स्कूटी मैं नहीं चलाऊंगा, मैं डिवाइस चलाएंगे क्योंकि दोबारा नहीं ठुकना हमें, एक बार की चोट संभली नहीं अब तक। ओए बाय करो। जब जब ये लड़का सुबह आया था तो इसके सिर पर टोपी थी और इस वक्त इसके सिर पर टोपी नहीं है। अरे मोड़ ना पर, रोड खाली है तो भाई ये स्कूटी छोड़ दे, पैदल चला जा। हैं अरे स्कूटी ले जा, साइड साइड में ले जा, चल ले जाओ, चलान थोड़ी काट देगा। बहुत बढ़िया, इसकी टोपी शायद दिख रही हो इस वक्त, शायद व्हाइट वाली गाड़ी है। यहाँ पड़ी है मेरी उंगली के सामने। अबे यार अभी बीच रोड पर उठाएगा कैसे। उठा ली उठ गई। आज का दिन वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है, तीन बार ठुके हम, पैंट फट गई, चोट लग गई, स्कूटी टूट गई, हमारे टीचर ने हमें क्लास से भगा दिया, पापा को फ़ोन कर दिया कि आपके बच्चे क्लास नहीं लेते, और अब मैडी की टोपी उड़ गई। और लगता है कुछ और भी होगा आज के दिन में, तो बस प्रे कर रहा हूँ कि कुछ और ना हो और हमसे इस्लामत अपने घर पहुँच जाए। तो मैडी चले चल चला। ओ उड़ चला। यहाँ पैर की चोट में दर्द हो रहा है मेरे, गुम चोट लगी है हल्की सी। गुम लगी है? तेरे भी लगी है? मैं अपने घर आ गया हूँ। रास्ते में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैंने अपनी स्कूटी मैकेनिक को दी थी क्योंकि ये देख रहे हो ना ये तार जा रहा है फोन से, क्योंकि फ़ोन डाउन हो गया था तो अब चार्जिंग को लगाया, तो स्कूटी मैकेनिक को दे दिया। हेलमेट जिससे मांगते हैं उनको वापस कर दिया। और पैर की चोट दिखाता हूँ मैं आपको कितनी लगी है। चोट तो सिर्फ इतनी आई है और ये इतना पूरा एरिया सूज गया है। वो तो दिन अच्छा था इसलिए चोट कम लगी, वरना तो कुछ ही हो सकता था। वो तो शुक्र है मैंने हेलमेट पहन रखा था। तो अब बस बच्चों का आने का टाइम हो रहा है, दो एक डेढ़ घंटे बाद बच्चे आ जाएंगे, तब तक मैं लंच करता हूँ और सोता हूँ, फिर ट्यूशन बुलाने के बाद मिलेंगे आपसे। तोड़ते तो फूटती पूरी, लेकिन ये क्या हुआ, ये यहाँ रखी थी, इसे यहाँ से उठाया गया, जब इसको उठाया गया तो ये खुद से अलग हो गई। और इसके सारे सिक्के, क्योंकि इसमें इतना सारा खजाना था, 10-10 के इतने सारे सिक्के हमारे पास, जिसको खरीदने हमसे संपर्क कर सकता है। सिक्कों के नीचे आटा पड़ा हुआ है क्योंकि किचन अभी साफ नहीं हुई है। कढ़ाई में 10 का सिक्का भाई साहब बहुत सारे हैं, क्योंकि हम पे पैसे खत्म हो गए हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी इन पैसों की। वी गॉट खजाना, आता भी जा रहा साथ में इसके। फाइनली हमारा ट्यूशन खत्म हो चुका और मैं खड़ा हूँ अपने कुरुक्षेत्र में, मतलब कि किचन में, और जो कि बहुत ज्यादा गंदी है। अगर यहाँ से शुरू करें तो ये आटा पड़ा है यहाँ, ये सबके सब गंदे बर्तन, तो मैं इन सबको साफ करने के बाद आपसे मिलता हूँ। फाइनली हमारा लंच डिनर बन चुका है, तो मैं दिखा दूंगा आपको। हमने बनाई दाल चावल, तो ये अपनी दाल और ये अपने चावल, और वो रखा है मिर्च का चार, थोड़ा सा बहुत तेज मिर्च है, वो इतनी भी नहीं खा मिलती है। और भाई साहब ने ली रोटी बना रहे हैं क्योंकि उन्हें पथरी है तो वो चावल नहीं खाएंगे, उन्होंने त्याग दिए हैं। हमारा बहुत भला करा जिन्होंने, हमारे सामने जो पड़ोसी रहते थे और वो आज अपने घर में शिफ्ट हो चुके हैं, तो मतलब यहाँ से जा चुके हैं वो। अब कल से हमें अपना वाला खुद ही करना पड़ेगा और मैं जल्दी डिनर कर लूँ, इसके बाद हम आज का खजाना गिनेंगे कि हमें कितना मिला खजाना हमारे घर में। हमारा डिनर हो चुका और गर्मी बहुत ज़्यादा, जो कि मेरी शक्ल पे दिख रही होगी, तो हमें मिला आज खजाना हमारे घर में, दिखाता हूँ आपको। ये गुल्लक ऐसे रखी हुई थी, अब इसको फोड़ा जाता तो इसकी खिल बिखर जाती हैं, लेकिन आज भाई साहब ने ये ऐसे उठाई और ये ऐसे उठाई, क्योंकि इसके अंदर था इतना ज़्यादा वजन कि ये वजन सहन नहीं कर पाई। तो हम इनको काउंट करेंगे और देखेंगे हमारे पास कितनी सेविंग्स हैं। कुल मिला के जो भी निकला इतना निकला, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900 ये हो गए, 30 ये, 1, 2, 3, तो इतनी अच्छी मैथ है नहीं जो मैंने इतनी जल्दी छोड़ पाऊँ।
तो मैंने जोड़ जाड़ के और देखता हूँ कि हमने अपना खजाना यहाँ रख दिया, ये रखे हुए कुछ ऐसे निकले, वो ताश खेलने जाते तो वो कॉइन कॉइन से मिलते हैं क्लब के अंदर, तो ये यहाँ रखे हुए हैं। जितनी गरीबी दिखा दी उतनी गरीबी दिखा ली, और इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।